एक बहुत बड़े भक्त बनारस के थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके पैर में बंधा हुआ नूपुर रुंझुन करता रहता है, वो सदा हमारे कान में उसकी आवाज भरी रहे। बोलो करे नूपुर श्रवण के निकट सदा, पद तल लल मन मेरो बिहर करे। हे श्याम सुंदर, आपके नूपुर की ध्वनि सदा हमारे कान में सुनाई पड़े भरी रहे, और पदतल लाल मन मेरे बिहरो करे। आपके चरण कमल के लाल लाल तलवे का चिंतन हो, सदा होता रहे मेरे मन में, आपके लाल चरण हमेशा रहे। रास लीला में आप नाचते हैं तो आपके चरण के तलवे दिखाई पड़ते हैं, वे चरण के तलवे सदा हमारे मन में रहे। पद तल लाल मन मेरो बिहार करे, बाजी करे वंशी धुनि पूरी रोम रोम मुख, मंद मोसो कानी नेक मन ही हार करे। और हे श्याम सुंदर, आपकी बंसी की ध्वनि हमारे कान में और रोम रोम में रहे, आपकी बांसुरी की ध्वनि हमारे मन में गूंजती रहे रोम रोम में, और आपकी मंद मुस्कानी मंद अस्मित। अस्मित का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति हंसे और दांत दिखाई न दे और उसके नेत्र से और गाल से पता लग जाए कि ये खुश है, हंस रहा है, तो उसको स्मित कहते हैं, मुस्कान। तो श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हे श्याम सुंदर, आपकी मंद हंसी हमारे मन का पूरा पूरा हरण करे, मंद मुस्कानी नेक मन ही हरे करे। ब्रजभाषा में नेक का अर्थ होता है पूरा पूरा या अच्छा। तो आपकी मंद मुस्कानी, आपका मंद अस्मित हमारे मन का पूरा हरण करे। हरिचंद चलनी मुरानी बतरानी चित छाई रहे छवि जोग जिगनी भर करे। और हरिश्चंद कवि कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका चलना श्री कृष्ण अद्भुत ढंग से चलते हैं, और मुरानी मुड़ करके देखना, गर्दन मुड़ना, या बांसुरी बजाते समय गर्दन मोड़ करके बांसुरी बजाना। हरिचंद चलनी मुरानी बतरानी चित, और आपका बतरानी, आप जो विविध तरह से बात करते हैं, तो आपका बात करना छाई रहे छवि जुग दीर्घनि भर करे। आपकी चाल हमारे हृदय में रहे, आपका मुड़ना या त्रिभंग ललित खड़े होना
इन सब छवि से हमारी आंखें हमेशा भरी रहे, आंखों में आंसू आवे, जुगत दिगनी भरो करे, हमारे दोनों नेत्र आंसुओं से भरे रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है। नैनम गलदस्य धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निजतम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे श्री कृष्ण, वह समय कब आएगा जब मैं आपका नाम लूंगा तो आपका नाम बोलते ही मेरे नयन में, मेरे नेत्र में अश्रु आ जाएंगे, गलत अश्रु धारा, गिरते हुए अश्रु धारा से मेरा नयन निश्चित होगा, अलंकृत होगा और मेरी वाणी पूरा बोल नहीं पाएगी, गदगद हो जाएगी वाणी और शरीर में रोमांच हो जाएगा। पुलकर निश्चितम बपुह कदा तो नाम ग्रहण दिवसित, कदा कब वो समय आएगा जब मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा और मेरे नेत्रों में प्रेम आश्रु की धारा बहेगी। इस प्रकार से भक्त मनोरस करता है। हे श्री कृष्ण, आप हमें प्राण से भी अधिक प्यारे लगिए। प्राण कितना प्यारा है जीव को, यदि किसी का गला पकड़ लिया जाए और या नाक दबाया जाए, कहा जाए सांस मत लो, जैसे सांस लेना हमको प्रिय है, देह श्याम सुंदर प्राण से भी प्रिय लगिए, मतलब एक सेकंड भी हम आपको न भूल पाए। प्राणहु ते प्यारे रहो, प्यारो तू सदाई तेरो, पीरो पट सदा ही ये बीच फहरो करे। हे श्याम सुंदर, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा लगिए और आपका पीला वस्त्र, आपका पीताम्बर मेरे हृदय में सदा फहराया करे। पीरो पट सदा ही ये बीच फहरो करे। इस प्रकार से अनेक भक्तों ने अपनी भावनाएं अर्पित की हैं भगवान से। आपके नूपुर की आवाज हमारे कान में भरा रहे, आपका चलना, थिरक थिरक करके नाचना, मुड़ करके देखना, सब हमारे आंख के सामने रहे या आपका दर्शन करें।